स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत ने 2028 में कॉप होस्ट करने का प्रपोजल दिया है? लेकिन 2028 में ये कौन सा कॉप होगा? अभी कौन सा कॉप चल रहा जहां ये डिसीजन लिया गया? ये कॉप है क्या? ये इतना इम्पोर्टेंट इवेंट क्यों है? इस इवेंट में ऐसा क्या है कि मैक्सिमम कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं? अब तक कितने कॉप हुए और उनके आउटकम्स क्या रहे? इस कॉप की शुरुआत कैसे हुई? आज इन सभी सवालों का जवाब हम अपने इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कॉप को जानने के लिए हमें एनवायरमेंटलिज्म की ब्रीफ हिस्ट्री को जानना होगा, तो आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री को और समझते हैं कि कॉप इवॉल्व कैसे हुआ। दोस्तों, एनवायरमेंटल इश्यूज एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा रहा है और ये एक ऐसी समस्या है जो ना तो कोई बाउंड्री जानती है और ना ही कोई कंट्री, इसलिए प्रॉब्लम किसी एक कंट्री के एफर्ट से खत्म नहीं हो सकती। देखा जाए तो यही मुद्दा और इंटेंट हमें 1970s में पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला। दोस्तों, एनवायरमेंटलिज्म यूं तो बहुत पुराना मूवमेंट है, पर पोस्ट 1962 से इस इश्यू पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। 1962 में पब्लिश हुई रेचल कार्सन की बुक साइलेंट स्प्रिंग ने इस मूवमेंट को नया मोड़ दिया। दोस्तों, उस बुक ने डीडीटी के इनडिस्क्रिमिनेट यूज को उजागर किया। इस बुक ने सजेस्ट किया कि डीडीटी के यूज से कैंसर हो सकता है और खासकर वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स और बर्ड्स पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इस बुक का इम्पैक्ट एनवायरमेंटल अवेयरनेस को क्रिएट करने का था। 1970 में यूएस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट इस बुक से क्रिएट हुए मूवमेंट की वजह से हुआ और 1970s में मूवमेंट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ। दोस्तों, मूवमेंट का असर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी पड़ा। इस मूवमेंट का असर यूरोप की पॉलिटिक्स में भी पड़ा। 1973 में यूके में ग्रीन पार्टी एस्टेब्लिश की गई। इस मूवमेंट का असर सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक ही सीमित नहीं था, देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इंडिया में भी हमें यह चिपको मूवमेंट के रूप में देखने को मिलता है। चिपको मूवमेंट का स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी काफी पॉपुलर हुआ और इस मूवमेंट ने दूसरी कंट्रीज को भी ट्रीज का प्रोटेक्शन करने के लिए इंस्पायर किया। इस मूवमेंट का दूसरा माइलस्टोन अर्थ डे का क्रिएशन है। सैन फ्रांसिस्को में 21 मार्च 1970 में पहली बार अर्थ डे मनाया गया। दोस्तों, इस मूवमेंट में सबसे बड़ा टर्न 1972 में आया। 5th से 16th जून 1972 को एनवायरमेंटल इश्यू पर यूएन का पहला मेजर कॉन्फ्रेंस हुआ। इसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1979 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक ने अपनी बुक गाया अ न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ पब्लिश की, जिसने गाया हाइपोथेसिस को प्रपोज किया। दोस्तों, गाया हाइपोथेसिस ने अर्थ को एक सिंगल और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह माना। फिर 1970 से 1990 के बीच बहुत सारे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस पास हुए और एनवायरमेंट के लिए बहुत से कदम उठाए गए। देखा जाए तो एनवायरमेंटल मूवमेंट में 1992 एक वाटरशेड मूवमेंट बना। यूनाइटेड नेशंस की पहल पे एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 3rd से 14th जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ऑर्गेनाइज हुई। ये समिट रियो समिट या अर्थ समिट के नाम से फेमस हुई। 1992 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 साल पूरे हुए थे। ये 1972 के बाद एनजीओस, गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटीज के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स का नतीजा बना 1992 का अर्थ समिट। दोस्तों, अर्थ समिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इस समिट के आउटकम्स निकले इंस्टीट्यूशंस के रूप में, जैसे एजेंडा 21, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और इसी UNFCCC के रेगुलर मीटिंग्स के पैनल को हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि कॉप के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को हम आगे से कॉप बोलेंगे, पर आइए अब ये जानते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, कॉप UNFCCC कन्वेंशन के लिए सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कन्वेंशन के जितने भी पार्टीज हैं वो कॉप में अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे वो अपने पुराने लिए कुछ डिसीजंस के इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू करते हैं और हर कॉप में कुछ नए इनिशिएटिव्स और डिस्कस को भी अनाउंस करते हैं। दोस्तों, कॉप कन्वेंशन के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को भी सुपरवाइज करती हैं। कॉप का की टास्क पार्टीज द्वारा ली गई नेशनल कम्युनिकेशंस और एमिशन इन्वेंट्रीज को रिव्यू करती हैं। देखा जाए तो कॉप हर साल मिलती हैं, या फिर अगर पार्टीज डिसाइड करें तो उन्हें मिलना होता है। दोस्तों, कॉप वैसे तो अपने हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में मिलते हैं, जब तक कोई पार्टी उसे होस्ट करने का ऑर्डर ना दे। जिस तरीके से कॉप की प्रेसिडेंसी अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका
और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप में रोटेट होती है। ठीक उसी तरीके से कॉप के वेन्यू को भी ऐसे ही रोटेट करने का प्रबंध है। देखिए पहली कॉप की बैठक मार्च 1995 में बर्लिन में संपन्न हुई और अब तक टोटल 28 कॉप कंडक्ट हो चुके हैं। आइए अब इम्पोर्टेंट कॉप के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, साथ ही जानेंगे अब तक के कॉप के वेन्यूज के बारे में। यूँ तो सारे कॉप एनवायरमेंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पर हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए हम चुनिंदा कॉप के डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसेट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेस्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कॉप फर्स्ट 1995 बर्लिन जर्मनी। दोस्तों पहला UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था। कॉप फर्स्ट ने इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन को पहली बार ज्वाइंटली इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया। देखिए हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम ब्रीफ में कॉप और उसके अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, एंड कॉप 1 के बाद दूसरा कॉप 1996 में हुआ। कॉप 2 जिनेवा स्विट्जरलैंड। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे साइंटिफिक असेसमेंट्स पे चर्चा हुई। इसी कॉन्फ्रेंस में IPCC की सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट को भी डिस्कस किया गया। IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूनाइटेड नेशन की एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका काम ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा हो रहे क्लाइमेट चेंज में साइंटिफिक स्टडी को समझना है। IPCC को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने 1988 में मिलकर एस्टेब्लिश किया। तो IPCC के साइंटिफिक फाइंडिंग्स को इस कॉप में डिस्कस और एक्सेप्ट किया गया। दोस्तों उसके बाद 1997 में मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉप का आयोजन हुआ, जो था कॉप 3, और ये जापान के क्योटो शहर में संपन्न हुआ था। इस कॉप में 10,000 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और प्रेस ने पार्टिसिपेट किया। 1.5 वीक की मशक्कत और जद्दोजहद के बाद क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल एनवायरमेंटल एंगल से अपने आप में एक मेजर ब्रेक थ्रू था। एनेक्स 1 में मेंशनड डेवलप्ड कंट्रीज को अपने 6 ग्रीन हाउस गैसेस को 1990 लेवल से कम 5% कम करना होगा। इस प्रोटोकॉल में ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, जो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, और एमिशन ट्रेडिंग जैसे एमिशंस को भी अडॉप्ट किया। और इस कॉप में पहली बार लीगली बाइंडिंग रिडक्शंस के बारे में डिस्कशन हुआ। कॉप 4 अर्जेंटीना। इस कॉप में कुछ खास अचीव नहीं हुआ। इस कॉप में क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 साल का प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया। कॉप 5 इस कॉप में भी क्योटो प्रोटोकॉल के डिटेल्स को कॉप 6 तक कंप्लीट करने का प्लान किया गया। कॉप 6 हेग नीदरलैंड्स। ये कॉप सिर्फ डिस्कशंस और कंट्रोवर्सीज में ही बनी रही। इस कॉप में कुछ मेजर अचीव नहीं हो पाया। देखा जाए तो USA ने एक प्रपोजल दिया कि कार्बन क्रेडिट्स के लिए फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर लैंड के कार्बन स्किन को काउंट किया जाए, जिसे बाकी देशों ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बात ये उठी कि जो कंट्रीज अपने एमिशन टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे और कंप्लाई नहीं कर रहे, प्रोटोकॉल के हिसाब से वैसी कंट्रीज का क्या किया जाए। तीसरी समस्या डेवलपिंग कंट्रीज के फाइनेंस का था कि कैसे उन्हें अपने कार्बन टारगेट को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, और सिर्फ इन्हीं डिबेट्स में कॉप बिना किसी सॉल्यूशन के खत्म हो गई। कॉप 6 सेकंड। USA ने क्योटो प्रोटोकॉल को रिजेक्ट कर दिया था और उसके पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट किया। दूसरे पार्टीज ने नेगोशिएट किया और मेजर इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म जैसे कि एमिशन ट्रेडिंग, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जो कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को एमिशन रिडक्शन टारगेट्स देता है, उसको फाइनलाइज किया गया। कार्बन सिंक्स के इश्यू को भी रिजॉल्व किया गया और कंप्लायंस के मैकेनिज्म को अगले कॉप के लिए छोड़ दिया गया। इसके साथ ही फाइनेंसिंग के लिए 3 फंड्स बनाया गया, जिसमें फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एडाप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन और क्योटो प्रोटोकॉल एडाप्टेशन फंड। कॉप 7। इस कॉप में ब्यूनोस आयरीज में जो 2 साल का प्लान ऑफ एक्शन था, उसके पूरा होने के बाद क्योटो प्रोटोकॉल के रेक्टिफिकेशन के लिए फाइनल स्टेज तैयार किया गया। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेट को भी डिस्कस किया गया। इस डेट से क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म को भी फोर्स में लाना तय हुआ। साथ ही वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होना तय हुआ था। कॉप 8 न्यू दिल्ली इंडिया। इस कॉप में दिल्ली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया।
दोस्तों, इस डिक्लेरेशन का मेन पॉइंट डेवलप्ड कंट्रीज का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। COP9 इस कॉप में पार्टीज एडाप्टेशन फंड को यूज करने के लिए एग्री हो गई। एडाप्टेशन फंड को COP7 2001 में डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से एडाप्ट करने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था। COP10 इस कॉप ने पिछले 10 साल में हुई कॉप की प्रोग्रेस, फ्यूचर चैलेंज और क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन और एडाप्टेशन को डिस्कस किया। डेवलपिंग कंट्रीज बेहतर तरीके से क्लाइमेट चेंज को एडाप्ट कर सके उसके लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को एडॉप्ट किया गया। COP11 इस कॉप का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्योटो प्रोटोकॉल का फोर्स में आना था। COP12 इस कॉप में पार्टीज ने 5-year प्लान ऑफ वर्क डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करने के लिए एडॉप्ट किया और अगली कॉन्फ्रेंस COP13 और COP14 को हम एक ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस कॉप ने पूरे नेशन के क्लाइमेट चेंज से कोप अप करने के लिए फाइनेंसिंग के प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। COP15 इस कॉप में 192 कंट्रीज और लार्ज नंबर ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। COP16 इस समिट का सबसे बड़ा अचीवमेंट $100 बिलियन पर ईयर का ग्रीन क्लाइमेट फंड का डिस्कशन था। हालांकि यहां पे ग्रीन क्लाइमेट फंड को एडॉप्ट नहीं किया गया। इस कॉन्फ्रेंस ने IPCC की फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट को डिस्कस किया और 2 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग के गोल को भी डिस्कस किया। COP17 दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में पार्टीज ने लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट किया और साथ ही GCF के क्रिएशन के प्रोग्रेस को भी डिस्कस किया गया। COP18 दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल के लिए जाना गया। क्योटो का सेकेंड कमिटमेंट पीरियड 2012 से 2020 तक के लिए था। इसके बाद है COP19 इस कॉन्फ्रेंस में नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सिंगापुर के प्रपोजल पर क्वाइन किया गया। COP20 दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें कंट्रीज अपनी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्पेसिफाई करेंगी। इस कॉप में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड प्रिंसिपल्स को लेकर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच मतभेद हुए और ग्रीन क्लाइमेट फंड का टारगेट $10 बिलियन से एक्सीड कर गया। COP21 दोस्तों, COP21 के प्रिपरेशंस में बहुत सारी मीटिंग्स हुई जिसमें बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। पेरिस एग्रीमेंट 21st सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक जीरो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को अचीव करना चाहती है और साथ ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को लिमिट करने का भी प्रयास करेगी। देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस से पहले 146 नेशनल क्लाइमेट पैनल्स ने पब्लिकली एक ड्राफ्ट तैयार किया जो कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन का था। ये एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होना था जब तक 55 पार्टी जो 55% वर्ल्ड के ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन करती हैं, वो इसको रेक्टिफाई न करते। जो भी कंट्री रेक्टिफाई करेगी उसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का वॉलंटरी अमाउंट सेट करना होगा। कंट्रीज अपनी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को हर साल सबमिट करेंगी और उस टारगेट को अचीव करेंगी। COP 2022 ये कॉप पेरिस एग्रीमेंट में फाइनलाइज हुए प्लान्स के प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए हुआ था। COP 2022 का फोकल इशू वाटर स्कर्सिटी, वाटर क्लीनिनेस और वाटर रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी जो कि डेवलपिंग कंट्रीज की मेजर प्रॉब्लम थी, उसे डिस्कस किया जाना था। COP 23 दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्लाइमेट चेंज और पेरिस एग्रीमेंट के डिटेल्स को डिस्कस करना और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना था। पेरिस एग्रीमेंट 2020 से फोर्स में आने वाला था। इसी कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अनाउंस किया कि US पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ करेगा। इसके बाद COP 23 फिजी मोमेंटम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के साथ कंक्लूड हुआ। ये पेरिस एग्रीमेंट को कैसे ऑपरेशनल बनाया जाए इसके लिए तलोना डायलॉग भी लॉन्च हुआ। COP 24 दूसरी कॉन्फ्रेंस नोटेड ब्रिटिश नेचुरलिस्ट सर डेविड एडनब्रो और 15-year-old क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग की स्पीच के लिए जाना जाता है और इस कॉन्फ्रेंस में पेरिस एग्रीमेंट को 2020 तक लागू करने की बात की गई। COP 25 दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस ब्राजील में होना था पर न्यूली इलेक्टेड बोल्सोनारो गवर्नमेंट ने इसे होस्ट करने के लिए मना कर दिया। फिर चिली ने इसे होस्ट करने के लिए ऑफर दिया पर वहां सोशल अनट्रस्ट की वजह से लास्ट मोमेंट पर चिली गवर्नमेंट को भी विथड्रॉ करना पड़ा। लास्टली UN चिली और स्पेन गवर्नमेंट ने म्यूचुअली इसे होस्ट किया पर इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इसके बाद COVID-19 की वजह से 2020 में होने वाले कॉप को पोस्टपोन कर दिया गया और इसके बाद 2021 में होता है COP 26। इस कॉप में ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए ग्लोबल कंसेंसस क्रिएट हुआ। कोल के फेजिंग डाउन क्लॉज की बात की गई। ग्लोबल मिथेन प्लेज लॉन्च किया गया जिसे इंडिया ने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया। इंडिया ने पंचामृत को भी प्रपोज किया। देखा जाए तो कुछ कंट्री ने अपना नेट जीरो होने का टारगेट ईयर डिक्लेयर किया और US-China ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी लॉन्च किया गया।
दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार लॉस एंड डैमेज फंड वल्नरेबल कंट्रीज के लिए प्रोवाइड करने की बात डिस्कस हुई। अ न्यू 5-ईयर वर्क प्रोग्राम को क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए लॉन्च किया गया, साथ ही एक्शन ऑन वाटर एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। देखा जाए तो ये इनिशिएटिव वाटर के इम्पोर्टेंस और क्लाइमेट चेंज से होने वाली प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया था। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव, अफ्रीकन मार्केट में कार्बन क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई। शर्म अल शेख एडाप्टेशन एजेंडा को भी अडॉप्ट किया गया और साथ ही ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस भी इसी कॉप में लॉन्च हुआ। दोस्तों, एनवायरमेंट एक बर्निंग और इवॉल्विंग टॉपिक है, जरूरत है कंसेंसस बनाने की और इसे मिलकर मेडिकेट और अडॉप्ट करने की। ये किसी एक की नहीं बल्कि सबकी समस्या है। उस अर्थ को फिर से रहने लायक बनाने और आने वाले जनरेशन को यहाँ पे रहने के लिए देना हमारी प्रायोरिटी है। और दोस्तों, ये इसी तरह के कॉप और क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस से अर्थ को लिवेबल प्लैनेट बनाना आसान होगा। दोस्तों, आप किस मुद्दे पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन एड्रेसिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस, हाइलाइटिंग द की एग्रीमेंट्स एंड द चैलेंजेस फेस्ड इन इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।